नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ भारती दुबे। इस वक्त मैं मौजूद हूं भाकरी पाली रोड पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पानी भरा हुआ है। काफ़ी दिन हो गए हैं, महीनों महीनों तक ऐसे ही पानी भरा रहता है, चाहे बारिश का मौसम हो या ना हो, दो बूंद पानी गिर जाते हैं और ये सड़क इसी प्रकार भर जाती है। लोग जो है बेहद परेशान है, इसमें तमाम गड्ढे हैं जो पानी के कारण लोगों को दिखाई नहीं देते और जो लोग हैं वो हादसे का शिकार हो जाते हैं। कई बार उनकी बाइक, स्कूटी या कार कहें, जो इन गड्ढों में फंस जाती है और निकालने में जो है बहुत दिक्कत होती है। तो आइए एक बार जानते हैं यहाँ सोसाइटी के लोगों से और ग्रामीणों से कि किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और किन किन असुविधाओं से होकर वो यहाँ से निकलते हैं, क्या क्या असुविधाएँ उनको झेलनी पड़ती हैं। आपका? हमारा नाम है सूरज नारायण झा जी। क्या कहना चाहेंगे सड़क के बारे में, पानी भरा हुआ है हद से ज्यादा? सबसे तो बड़ी बात है कि एक तो सही बात है, यहाँ की गड्ढे की पहचान नहीं है। बाहर के जो आते हैं गुड़गांव से, यहाँ मान लीजिए कि हम लोग नजदीक आते किसी तरीके से गड्ढे पार, उन लोगों के लिए और ये मतलब जान के खतरे वाली बात हो जाती है। मैडम हम तो बहुत दिनों से हैं, आपको पता है, हमें पता है। दूसरी इस ये है आंगनबाड़ी, ये राइट साइड में छोटे छोटे बच्चे हैं, टीचर लोग कंधे पर लेकर जा रहा है, उस सोचिए उस टीचर का, उस बच्चे का क्या होगा, पढ़ाई की तो बात खत्म ही हो गई, बच्चे का क्या होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जे एस नरूला है, मैं दिल्ली पुलिस सोसाइटी में रहता हूँ। आपका पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे यहाँ समस्या उठाने के लिए आए और ये देख लो हमारे स्मार्ट फरीदाबाद का हाल। क्या क्या समस्याएं होती हैं आपके? ये समस्या आप देख लो, ये कितना तो पानी भरा, रास्ता नहीं है जाने आने का, इतना हजार फ्लैटों का लाइसेंस दे दिया गवर्नमेंट ने, ना सीवर ना पानी कुछ भी नहीं है। कब से भरा हुआ है पानी? ये पानी काफी दिनों से भरा हुआ है, हमेशा भरा रहता है। हाँ जी, निकलता नहीं है? नहीं निकलता। मेरा नाम हरिराम त्यागी है, दिल्ली पुलिस सोसाइटी में रहता हूँ और 2.5-3 साल हो गए हमें रहते हुए। जब भी थोड़ी भी बारिश हो जाती है एकदम सारे ही रास्ते बंद हो जाते हैं और निकलना मुश्किल हो जाता है, और लेडीज़ तो जा ही नहीं सकती बिना व्हीकल वाला, तो व्हीकल ही नहीं जा सकता, आदमी तो पैदल तो जब निकलेगा। और ये समस्या रेगुलर है, ये एक दिन की नहीं है, कंटिन्यू जैसे थोड़ी भी बारिश हो जाती है एकदम ही पानी बढ़ जाते हैं। और मैं 3 साल से सोसाइटी में रह रहा हूँ। यहाँ हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यही देख रहे हैं, रीचिंग की है। यहाँ अगर हम 17 नंबर चुंगी की तरफ जाते तो आप देख ही रहे हैं क्या हाल है। दूसरा रास्ता जहाँ से हम सैनिक कॉलोनी जाते हैं तो वहाँ का भी वो मंदिर की वजह से पानी भर जाता है, और भाकरी की तरफ जाते हैं तो वहाँ स्कूल के पास और उससे पहले पूरा तरह से अवरुद्ध रहता है। हमने एक बार सबने मिलके कुम्मन और हमारी दिल्ली पुलिस सोसाइटी वालों ने यहाँ विधायिका को भी बुलाया था, मिसेज तिरखा को, तो उन्होंने कहा था हम इसकी करेंगे, लेकिन हमें ऐसा लगा नहीं है और उसका कोई भी निदान नहीं हुआ। थोड़ा सा बारिश होने के बाद में पानी पानी होता है, या लोगों को जाने में, इवन बच्चों को स्कूल छोड़ने में, लाने में, मतलब कहीं भी जाएं तो ये ऐसा होता है। आज मेरा नाम संतोष कुमार है, मैं दिल्ली पुलिस अपार्टमेंट में रहते हैं। हमने NCR में दिल्ली पुलिस की तरफ से यहाँ जगह लेके फ्लैट बनाए, फरीदाबाद स्मार्ट सिटी हो गया है। अब स्मार्ट सिटी का आप हाल देख लो, 3 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, ना ही हम दिल्ली आ सकते हैं ना जा सकते हैं। मेन जो रोडों का लिंक है उनका ये हाल है। मेरे पीछे आप देखो, भाकरी की तरफ आप देखो, तो हम सोचते हैं कि दिल्ली पुलिस ने हमारा अपार्टमेंट ऐसी जगह बनाया है, तो फरीदाबाद प्रशासन कुछ हमें रास्ता निकलने का, आने का, रोड का, सीवेज का ये व्यवस्था ठीक करे तो बहुत बेहतर होगा। प्रशासन से हम उम्मीद करते हैं कि इसको ठीक कराएं, और जो पानी की समस्या है ये लगभग परमानेंट ही रहती है। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर तमाम लोगों ने बताया कि किस तरीके से ये पानी जो है यहाँ पर इसी प्रकार भरा रहता है। और आपको बता दो, इस सड़क पर पार्षद जो है, विधायक है, उनका भी इसी सड़क पर जो है थोड़ी सी दूरी पर जो घर है वो भी यहीं से निकलते हैं, लेकिन जो समस्या है वो जो कि जो है इसी प्रकार यहाँ पानी भरा रहता है। आप आगे सड़क देखेंगे जिनमें तमाम गड्ढे हैं, लोग जो है बेहद परेशान है, कई बार प्रशासन से शिकायत कर चुके लेकिन कुछ भी समाधान नहीं निकल पा रहा है। कई बार प्रशासन तक गए हैं,
कई बार मदद की गुहार लगाई है कि यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं, लोग जो है दुर्घटना का शिकार होते हैं, कई बार चोट लग चुकी है, बाइक गिर चुकी है, छोटे छोटे बच्चे, यहाँ पर दो स्कूल है पास में जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ से निकलते हैं, बुजुर्ग जो है यहाँ से निकल नहीं सकते हैं, पैदल तो बिल्कुल नहीं निकल सकते, छोटे छोटे बच्चे जब यहाँ से निकलते हैं आते हैं जाते हैं तो कई बार जो कार है बाइक है वो छींटे जो है पानी की बूंद की जो बच्चों के ऊपर गिर जाती है और ड्रेस गंदी हो जाती है। कई बार बच्चे इस पानी में गिर भी चुके हैं, कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन के संज्ञान में ये मामला अभी तक नहीं आया है। आपकी इसमें क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए पायनियर हरियाणा के साथ। मैं कैमरामैन राजेश पुंजानी के साथ भारती दुबे, नमस्कार। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।